Hey दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल चीज होती है, बहुत पैसे लगते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है, जॉब छोड़ना पड़ता है, फाइनेंशियल रिस्क लेने पड़ते हैं और ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती है जो सबके लिए करना पॉसिबल नहीं होता। बट ऑथर जो खुद एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो अराउंड 20 साल से सक्सेसफुल मिलियन डॉलर की सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये सब बिल्कुल सच नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग जब बिजनेस का सोचते हैं तो वो डायरेक्ट इलॉन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी, टाटा की तरह बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस बनाने का सोचते हैं। क्योंकि एक्चुअल में ऑथर बोलते हैं बेस्ट होगा अगर वो स्टार्ट में बस ऐसा साइड बिजनेस क्रिएट करने का सोचे जो प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल हो, जो बस आपको अच्छी खासी साइड इनकम कमा सके। और ये चीज ऑथर बोलते हैं कि हर एक इंसान इजीली कर सकता है बिना ज्यादा इन्वेस्ट किए या बिना अपनी करंट जॉब और पढ़ाई को छोड़े। अब जो अलग अलग तरीके ऑथर ने इस बुक में शेयर किए हैं अपने सालों के सक्सेसफुल एक्सपीरियंस से, जो फॉलो करके कोई भी इंसान एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसे मैंने एक मैजिक सेंटेंस में श्रिंक कर दिया है। एक स्टार्टअप मंत्र आप बोल सकते हो जो कुछ ऐसा है कि स्क्रैच द इट विद कोर मिनिमम एंड फाइट पैशनेटली विद लेस। एक्चुअल में सेंटेंस में चार बड़े प्रिंसिपल्स छुपे हैं जो मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आता है स्क्रैच द इट। बिग फर्स्ट एक बहुत अच्छे ऑर्केस्ट्रा टीम के ड्रम प्लेयर थे। अब कई साल ड्रम्स बजाते उन्होंने एक बात नोटिस की जो उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेट कर दी थी। बात ये थी कि वो जो भी ड्रम स्टिक यूज करते थे उनमें से कोई भी दो स्टिक एक दूसरे से एकदम सिमिलर नहीं होती थी, मतलब वो वेट में, डेंसिटी में एकदम परफेक्टली सेम नहीं रहते थे, जिसकी वजह से उनमें से एकदम सेम पिच और लेवल की आवाजें नहीं निकलती थी और ये चीज उन्हें बहुत परेशान करती थी। तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, जो अपने बेसमेंट में गए और वहाँ रिसर्च करके उनने खुद से सेम वेट, डेंसिटी, पिच के ड्रम स्टिक बनाए, जिसे बाद में उन्होंने नाम दिया द परफेक्ट पैर। उनकी ये स्टिक्स इतने फेमस हो गए कि आज उनकी कंपनी जो ड्रम स्टिक बनाती है वो टोटल 62% ड्रम स्टिक्स के मार्केट को ओन करती है, वो भी डोमिनेट करते हुए। ऐसे ही बिल बॉमन जो ट्रैक कोच थे, उन्हें जब अपने स्टूडेंट्स के लिए एक परफेक्ट लाइट वेट स्ट्रॉन्ग शूज नहीं मिल रहे थे मार्केट में, तब वो खुद एक लोकल वर्कशॉप में गए और वहाँ जाकर उन्होंने रबर को वाटर आयरन में डाल के खुद के शूज बना डाले जो मजबूत भी थे और लाइट वेट भी, जो बनने के बाद सबको बहुत पसंद आए और यहीं से फिर नाइकी कंपनी की शुरुआत हुई जिसे आज ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है। सिमिलरली ऑथर ने स्टार्टिंग में एक कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट किया था, पर जब वो अलग अलग कंपनीज के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए कोई भी अच्छा टूल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसलिए फिर उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर रेडी किया जो प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर सके, और सकते हैं ये बहुत काम की चीज थी, इसलिए इसकी जरूरत हर कंपनी को भी दिखने लगी। फिर क्या, सबने उनसे उनका सॉफ्टवेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही फिर उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया जो आज उन्हें बिलियन ऑफ डॉलर बना के दे रहा है। अब ये तीनों एग्जाम्पल आप नोटिस करोगे तो हर इंसान के स्टार्टिंग में खुद अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई, कुछ कुछ महसूस हुई, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि उस कुछ को खत्म करने के लिए एक काम का सोल्यूशन बनाया। फिर इसी तरह आप भी नोटिस करो डे टू डे लाइफ में कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कैसे आप उस प्रॉब्लम को अच्छा प्रोडक्ट बना के खत्म कर सकते हैं। आपका मीनिंग यही होना चाहिए कि आप कुछ रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, और बेस्ट है अगर प्रॉब्लम आपकी खुद की हो, क्योंकि अपनी खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा जिससे आप जल्दी और बेटर डिसीजन ले पाओगे प्रोडक्ट बनाते हुए, वरना दूसरों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व करना एक बार अंधेरे में खींच कराने जैसा भी हो सकता है। कोर मिनिमम क्वेश्चन पूछता हूँ, समझो आपको बर्गर बेचने का बिजनेस करना है। अब इस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए क्या चीज़ का होना सबसे ज्यादा जरूरी है जिसके बिना आपका बिजनेस होगा ही नहीं, एक अच्छी शॉप, अच्छे एम्प्लॉइज या क्या? वेल ऑब्वियसली जो चीज़ सबसे ज्यादा जरूरी होगी वो होंगे आपके बर्गर, जो बहुत अच्छे होने चाहिए। बस भले से आपके पास अच्छी दुकान ना हो, अच्छे एम्प्लॉइज ना हो, फिर भी लोग दूर दूर से आपके बर्गर खाने आएंगे अगर वो बहुत अच्छे होंगे तो। इसीलिए यहाँ टेस्टी बर्गर्स आपके बिजनेस का कोर होगा जिस पे आपका स्टार्ट में सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये ज्यादातर लोग की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने कोर से हट के दूसरी चीजों पे ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसे स्टार्ट में ही खर्च करने लगते हैं जो समझदारी नहीं होती। एग्जांपल, ऑथर ने जब अपना बेस कैंप का बिजनेस स्टार्ट किया था तब उन्होंने बस कोर पे ध्यान रखते हुए मिनिमम पैसे खर्च किए। उन लोगों ने खुद का ऑफिस खोलने के बजाय शेयर्ड ऑफिस स्पेस यूज किया, कई सर्वर यूज करने के बजाय बस एक अच्छा सर्वर यूज किया, कस्टमर सपोर्ट टीम रखने के बजाय खुद सारे कॉल्स, ईमेल्स के आंसर्स दिए। ऐसे ही आप भी स्टार्टिंग में बस मस्ट हैव चीजों पे फोकस करो, ना कि नाइस टू हैव चीजों पे। एक अच्छी डिग्री का होना नाइस टू हैव है, पर अगर आप चाहो तो गूगल और यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। अपनी जॉब क्विट करके बिजनेस स्टार्ट करना अच्छा है, पर बहुत बार आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के टीवी शोज को देख के टाइम वेस्ट करने के बजाय, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के बजाय और थोड़ा कम सो के भी बिजनेस हैंडल कर सकते हो। बाहर से इन्वेस्टमेंट लेना अच्छा है, पर आज आप घर बैठे बैठे कई फ्री और चीप चीजों का यूज करके भी कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। देखो मेन बात यह है कि आज की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में चीजें करना बहुत आसान हो गया है, मतलब कल जो चीज करना इम्पॉसिबल थी आज वो कंप्यूटर से आप फ्री में कर सकते हो। इसलिए आप सच में अपने आप से पूछो, इनफैक्ट लिखो पेपर में कि क्या चीज आपको लगती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए, और फिर सीरियसली देखो कि क्या सच में इन चीजों की आपको जरूरत है या फिर फ्री चीप ऑल्टरनेटिव का यूज करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैं पहले ये सोच सकता था कि चलो मैं पहले क्लासेस लगा के बेस्ट एनिमेशन सीखता हूँ या कैमरा पे वीडियोस बनाना सीखता हूँ, एक महंगा बहुत अच्छा माइक लेने के लिए पैसे जमा करता हूँ, उसके बाद चैनल स्टार्ट करूंगा। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे पता था मेरे यूट्यूब बिजनेस का कोर होगा बुक समरी, इसलिए मैंने बस एक सस्ता लेकिन अच्छा माइक लिया, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर सेट किया जिसमें मुझे कैमरा और दूसरे इन्वेस्टमेंट करने नहीं पड़ते और बस अच्छे कंटेंट पे फोकस करते हुए स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट आज आप देख सकते हो। फाइट पैशनेटली, किसी प्रॉब्लम का मिनिमम खर्च के साथ सोल्यूशन निकालने के बाद जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट सबसे मेन क्वेश्चन ये आएगा कि अब आप कैसे इस भीड़ में अलग दिख पाओगे, इससे लोग आपके बिजनेस को चूज करेंगे।
पर एक बहुत अच्छा तरीका जिससे आप ये पॉसिबल कर सकते हो वो है अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड से फाइट लेके। एग्जाम्पल, डंकिन डोनट्स अपने आपको एंटी स्टारबक्स बोल के मार्केट करती है। वो इस बात पर बहुत फोकस करते हैं कि कैसे वो स्टारबक्स जैसे बिल्कुल नहीं है, वो अपने कप को फैंसी नेम नहीं देते स्टारबक्स की तरह। इनफैक्ट उन्होंने एक वेबसाइट बना के रखी है जिसका नाम है dunkinbeatsstarbucks.com, जहाँ विजिटर्स आके ऐसे टाइप के कार्ड भेजते हैं जिनमें लिखा होता है एक असली दोस्त दूसरे दोस्त को स्टारबक्स में जाके पैसे वेस्ट करने नहीं देता। ऐसी ऑडी अपने आपको एंटी ओल्ड लग्जरी कार बोल के मार्केट करती है। वो अपने अच्छे बाहर जाकर लेक्सस मर्सिडीज जैसे ब्रांड का मजाक उड़ाती है ऐड में और बताती है कि कैसे वो उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ का एग्जांपल दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैंने ऐड देखा था 7up का, जो पेप्सिको कंपनी का है, जिसमें वो बोल रहे थे कि कैसे आजकल की जनरेशन के लोगों में कुछ भी क्लियर नहीं है और हम तो भैया ऐसे ही हैं। वेल, ऐसा ऐड बना के वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्प्राइट जो कोका-कोला कंपनी का है उसको चैलेंज कर रहे थे। वो अपने ऐड में हमेशा उल्टा बोलती है, मतलब स्प्राइट एकदम क्लियर है। ऐसे ही कई ऐड आप देखोगे ये दोनों कंपनी और कई दूसरी कंपनी एक दूसरे से फाइट करती है। क्यों? उन्हें पता है कि हम इंसानों को किसी की साइड लेना पसंद होता है और जब हम कोई भी साइड लेते हैं तब हम इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं उन चीज़ों से। इसलिए जब आप भी जो चीज़ को दिल से बिलीव करते हो वो हमसे बोलोगे और जो आप जैसे नहीं सोचता बिलीव करता उस ब्रांड से चैलेंज लोगे तो वो लोग जो आपकी तरह सोचते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपके ब्रांड का यूज़ भी करेंगे। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है। और कभी आपने सोचा है कि इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी अलग अलग कंट्रीज में अपने ब्रांचेस क्यों नहीं खोलते? बिकॉज उनके लिए ऐसा करना कोई मुश्किल चीज़ तो होगी नहीं, बट स्टिल वो ऐसा क्यों नहीं करते? वेल, बिकॉज उन्हें पता है कि कम के साथ कंपीट करना अच्छा होता है। मतलब वो जानते हैं कि अगर वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोल देंगे दुनिया भर में तो उनमें वो क्वालिटी वो बात नहीं बचेगी जो आज है। ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोगों को आप देखोगे तो बस नंबर्स के साथ कंपीट करते मिलेंगे। उन्हें लगता है ज़्यादा होना मतलब अच्छा होना, ज़्यादा एम्प्लॉइज ऑफिस में, ज़्यादा फीचर्स प्रोडक्ट में। यहाँ तक कि उन्हें लगता है कि रेस्टोरेंट के मेन्यू में अगर ज़्यादा आइटम्स होंगे तो उनका रेस्टोरेंट ज़्यादा चलेगा, पर ऑथर बोलते हैं कि ये चीज़ एकदम स्टुपिड है। एग्जाम्पल, जहाँ उधर रहते थे वहाँ रहते रहते उन्होंने दो कॉफी शॉप्स को ट्राई किया था। पहले जिस शॉप में वो जाते थे वहाँ वो मेन्यू देख के ही कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि उसमें इतने सारे अलग अलग टाइप की कॉफी लिखी होती थी जिनमें से ऑलमोस्ट सारी कॉफी ट्राई करने के बाद भी उन्हें मज़ा नहीं आता था बिकॉज उनकी क्वालिटी इतनी ग्रेट नहीं होती थी। बट फिर जब उन्होंने दूसरी कॉफी शॉप को ट्राई किया तो वहाँ बस वो चार टाइप की कॉफी बेचते थे जिसमें से चूज करना तो ईजी था ही, पर सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ की क्वालिटी हद से ज़्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वो कम आइटम्स पे फोकस करके उन्हें ही बहुत अच्छे से बनाते थे, जिसका रिजल्ट फिर ऑथर हमेशा वहीं जाने लगे। ऐसे ही आप देखोगे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर ने दो अच्छे फीचर्स दिए हैं तो वो तीन देंगे, कॉम्पिटिटर ने तीन दिए हैं तो वो चार देंगे और वो ऐसे ही कम्पीट करते रहते हैं जिससे उनके प्रॉफिट भी उतने नहीं होते और क्वालिटी भी खराब होने लगती है। जबकि अगर वो कम चीज़ों पर फोकस करके एकदम बेस्ट क्वालिटी की एक ही चीज़ देंगे तब उनके सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तभी वो छोटे रहकर भी बड़े बड़ों से टक्कर ले पाएंगे ना कि नंबर्स बढ़ा के। इसलिए आप भी स्टार्टिंग में लेस के साथ कम्पीट करो, इससे आपके पैसे बचेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ पाओगे। ये चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से बना है वो मैजिक सेंटेंस जो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा याद रखो, स्क्रैच द एज विद पोर मिनिमम एंड फाइट पैशनेटली विद लेस। अभी समरी एंड करने से पहले एक बोनस लेसन जो आपको सिखाते हैं वो ये है कि ज़्यादातर लोग आपको फेलियर से सीखने बोलेंगे, बट सच ये है कि आप फेलियर से क्या करना चाहिए ये सीख ही नहीं सकते, बल्कि क्या नहीं करना चाहिए ये सीख सकते हो। इसलिए ऑथर बोलते हैं इंस्टेड आप सक्सेस से सीखो या जो लोग सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं सक्सेसफुल है उनसे सीखो, तभी आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे। और एक्चुअली मैं यही चीज़ मैं अपने चैनल स्पीकर में उस समरी और मेंटर की बातें सीखने के बताता हूँ ताकि हमारे फेलियर के चांस कम हो और हम अपने आप को इम्प्रूव करके जल्दी रहकर आगे बढ़ सकें। ये भी कुछ माइंड ब्लोइंग बातें थी, बहुत अच्छी बुक रीवर्क बाय जेसन फ्राइड बुक है जिसके बारे में बिलियनर इन्वेस्टर बात की बंदी बोलते हैं कि अगर मेरे सामने दो इंसान आए जिनमें से एक MBA किया हो और एक ने रीवर्क बुक पढ़ी हो तो मैं एनी टाइम उस बंदी को पैसे दूंगा, उससे इन्वेस्ट करूंगा जिसने रीवर्क ये बुक पढ़ी है, इतनी अच्छी है ये बुक। तो अगर आप इस बुक की सारी अच्छी बातें सीखी है बिजनेस से रिलेटेड तो वो बुक आप डिस्क्रिप्शन जाकर खरीद सकते हो या अगर इस बुक की प्री ऑडियो बुक चाहिए आपको तो वो आप seeken.org/audible से जाकर ले सकते हो जिसे मैंने खुद ये बुक सुनी है। ऑडिबल एक अमेजन कंपनी है जो एक महीने का फ्री ट्रायल देती है जिसके बाद वो चार्ज करती है अगर आप उनकी सर्विस कंटिन्यू रखते हो तो। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियो को भी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, इसे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा जो मैं हर संडे को डालता हूँ तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा वरना नहीं आएगा और आप इसी काम की यूजफुल नॉलेज मिस कर दोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगे, कमेंट करके अपने व्यूज बताएं इन टॉपिक्स के बारे में, शेयर करें इस वीडियो को उनके साथ जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो या जो स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।